स्टार्ट स्टार्टर सेशन हम सेशन को आज स्टार्ट कर सकते हैं राइट सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग और आपको मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी ओके सो लेट मी सी योर चैट आल्सो सो सीएससी का कोई गवर्नमेंट जॉब है प्लीज़ जरूर जल्दी डिस्कस करेंगे आज की सेशन इस वजह से बहुत ज़रूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का सेशन शायद एंजॉय करोगे आज का सेशन भी बहुत अच्छा है ओके okay. तो so, जल्दी से पहले आई ऑल ऑफ यू कि आप जो भी इस समय पर यहाँ पर आई ऑल ऑफ यू टू कम और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि हम लोग आ चुके हैं और सेशन जो है आपका आज भी बहुत अच्छा होगा ओके okay. तो so, जो भी क्वेश्चन है जल्दी से आप मुझे पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप मुझे बता सकते हैं ओके बिकॉज आई वॉन्ट द क्लासेज शुड बी वेरी एक्टिव बहुत अच्छी सेशन होना चाहिए हमारा ओके okay. फर्स्ट ऑल्सोजेस ठीक है तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट राइट तो आज क्या करने वाले आइडिया मुझे दे सकते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं कुछ आप क्या करने वाले हैं थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं आप मुझे ओके okay. सो हेलो सर ओके गुड फॉर मास्टर्स ओके सो एम नॉट श्योर सभी मैंने सभी चेक नहीं किया बट अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है थिंक सभी ऑनलाइन आ चुके हैं तो हम लोग अभी सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं है ना तो मैं आपको सिंपल एक आइडिया देता हूँ पहले हम लोग क्या करने वाले हैं ओके okay. तो बेसिकली इस पूरे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो पी की कट ऑफ क्या होती है लेकिन मैं सिर्फ कट ऑफ नहीं दे रहा हूँ है ना मैं सिर्फ कट ऑफ के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा डिस्कस करूंगा कि कितनी जगह पर कितनी पीएसयूज हैं कितने सारे पीएसयूज हैं जहां से आप यहां से यू नो गेट से गेट की प्रिपरेशन आप करते हो तो कहां-कहां पर बेनिफिशियल यहां पर रहता है राइट right. तो मेरे कहने का मतलब क्या है देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कई बार बच्चों के अंदर बच्चे क्या करते हैं सिर्फ स्पेसिफिक एग्ज़ाम के बारे में तैयार करते हैं उसके आस पास की चीज़ों को वो चेक नहीं करते हैं। है ना मेरे मेरे कहने का मतलब है कि आप क्या करते हो आप सिर्फ गेट की तैयारी करी राइट और गेट की आप उसको ना एग्जाम को आपने दिया राइट लेकिन उसके साथ साथ जो तो बहुत सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम है जहां पर जो उसकी जॉब जो, जो जहां से आती है वहां के आप अप्लाई नहीं करते हर जगह पर अप्लाई करना भी जरूरी है क्योंकि गेट में भी ऐसा होता है अब डायरेक्टली गेट से भी मिलता है और उसके अलावा भी कई जगह पर आता है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सबकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है राइट right? सेम ही है ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेंगे ज्यादातर क्या होता है आपके पास एप्टीट्यूड तो आप ऑब्वियसली करते ही हो राइट right? एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ आप टेक्निकल जो है वो भी आप आना चाहिए क्योंकि हम टेक्निकल की ही तैयारी करते हैं तो वहां से हर जगह एग्जाम में आपको बेनिफिशियल रहता है है ना तो मैं सभी का एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर सभी के बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको बिकॉज आपने भी सौरभ ने पूछा है सर ऑल गवर्नमेंट जॉब और पी का नाम बता दीजिए आईटी ब्रांच के लिए बहुत सारे दूंगा आपको सिर्फ एक दो नहीं आपको बहुत सारे दूंगा कि आपको कर करके यू नो आप थक तो मतलब बहुत कैलकुलेट करते जाओगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं मैं जो सभी यहाँ पर आपको बताऊंगा ओके तो चलो

रिक्रूटमेंट है जो डायरेक्टली गेट से आया था और कुछ जो है इनडायरेक्टली यहाँ से आया था जिसके बारे में मैं यहां से डिस्कस करूंगा है है ना इनके कट ऑफ क्या वो भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आई है राइट या फिर आपके पास यू नो गेल है आपके पास है है ना तो ऐसे कुछ ऑप्शंस दूंगा जहां से यू नो आपके पास सिलेक्शन जो है यहां से भी आते हैं तो उसके बारे में, तो में डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे करेंगे लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है और जो लाइक करो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है अगर मेरी क्लासेस जो है अच्छी लगती हैं तो आप मुझे यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताओ है ना अब उसके बाद आपको करना यह है कि मैंने कल जो क्लास लिया था उस क्लास में आपको बताया था कि हमारे पास यू नो पी लगभग तीन टाइप के पी एस होते हैं पहला होता था हमारे पास महारत्ना पी एस सेकेंड होता है नवरत्न पी और थर्ड होता है आपके पास मिनी रत्ना पीएसयू राइट और जो मिनी यू नो रत्ना है यहाँ पर है, right? तो आपके पास दो कैटेगरीज होती है विच इज कैटेगरी वन एस कैटेगरी टू राइट तो लगभग आपके पास थ्री टाइप ऑफ पीएसयूज हैं जो मेजरली यहाँ पर हमारे पास आते हैं लेकिन उसके अलावा भी आपको पता है कि जब आप बहुत सारे बैंक्स की बात करते हो जैसे पीएनजी है ना बहुत सारे बेंच आपके बैंक वगैरह है तो बहुत सारे बैंक, बैंक के अंदर भी दे आर पी एस वो भी बहुत सारे पीएस यहाँ पर है और जहां से भी सिलेक्शन यहाँ से भी होता है उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो गेट का तो सिलेबस से आता ही है लेकिन साथ साथ में एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन तो होता है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा इस सेशन में इसमें कवर करूंगा ओके और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जिस बच्चों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कल जो है मेरा प्लस कोर्स आ रहा है टमोरो एट टेन थर्टी ए एम टाइम जो है मैंने मैंशन किया है टेन थर्टी ए एम ओके और जो मेरा प्रोफाइल है ऑन अन अकेडमी आप जाओ और उसको सब्सक्राइब करो ठीक है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो क्योंकि जब भी मेरी क्लासेज आती हैं आप वहाँ पर देख सकते हो राइट अगर आप प्लस कोर्स लो या ना लो डजन मैटर लेकिन मेरे को वहाँ पर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा और जो मेरा प्लस कोर्स देखना चाहते हैं राइट वो अपने अन अकेडमी प्लस कोर्स आप ले सकते हैं और वहाँ से उसको ले लो ताकि मेरी पूरी क्लासेस आप ज्वाइन कर पाओ उसको देख पाओ ओके अब ये मेरा जो प्रोफाइल है राइट दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनएकेडमी का जो मेरा प्रोफाइल है ये आप देख सकते हो आई थिंक आपके साथ ये क्लियर होगा तो दिस इज माई यू नो ये लिंक होगा जैसे अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट लेक्चर्स बाय हिमांशु राइट तो ये जो है मेरा प्रोफाइल है ऑन अन अकेडमी आपको करना ये है इस समय पर मेरे जो फॉलोवर्स है वो बहुत कम है राइट right? मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाए जितने ज्यादा फॉलोवर्स हो जाएंगे उतने ही ज्यादा मेरे को पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और मैं बहुत नई नई चीज़ें बहुत डेटा जो है वहां से शेयर करता रहता हूँ बहुत सारी क्लासेज में लेता हूँ स्पेशल क्लासेस भी लेकर आता हूँ जो आप मेरे प्रोफाइल को वहां पर फॉलो करो ठीक है तो आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा और दूसरा ये है कि मेरा जो प्लस कोर्स है वो कल से आ रहा है टूमारो एट टेन थर्टी ए एम तो जो मैं कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज ऑन एलगोर्थम्स जो कि एल्गोर्थम्स से मैंने यहाँ से कवर किया है ओके okay? तो इसको आप कर सकते हो ठीक है सो आई होप यू कैन वी कैन स्टार्ट ठीक है और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मुझे यहाँ पर बताना होता है स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको बताया था कि अन अकेडमी पे दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो प्लस है प्लस इंडिया के बेस्ट टीचर्स से आप पढ़ते हो और जब आइकॉनिक पर जाता हूँ यानी कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं लेकिन साथ साथ में एक मेंटर भी होंगे आपके साथ जो वन टू वन आपके साथ डिस्कशन करेगा और आपको कोई भी नोट्स की जरूरत है कोई भी डाउट्स दा, है तो सब जो मेंटर है वो आपको सपोर्ट करेगा आपको हेल्प आउट करेगा है ना तो उसके लेने के सबसे अच्छा तरीका ये है कि वहां पर मेरा कूपन कोड है कौशिक 10 कौशिक 10 को यूज करके आप हमारे कोर्सेज हैं उसको ले सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट फिर हमारे पास अन अकेडमी पर यू you नो know, मेरे बहुत सारे अन अकेडमी पर बहुत अच्छे ऑफर जो है वो आ रहे हैं जो इस समय पर हैं राइट right? यानी कि पहला है अगर आपको वन ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन लोगे वन ईयर का तो वहाँ से थ्री मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है और वहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे कौशिक टेन तो कौशिक टेन से आपको बहुत अच्छी सेविंग यहाँ पर हो सकती है अगर आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे वन ईयर का तो वहाँ से एटलीस्ट आपको एलेवन से ज़्यादा आपको सेविंग आपसे हो जाएगी सेकंड जो है अगर आप यहाँ पर टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं टू ईयर के साथ आपको फोर मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे वहां पर मेरा कूपन कोड लेंगे विच इज कौशिक टेन कौशिक टेन से आपको टेन परसेंट ऑफ आपको मिलेगा और उसके साथ साथ आपको ट्वेल्व थाउजेंड से ज्यादा ऑफ यहाँ पर ले सकते हैं ओके okay? चलो आई थिंक वी कैन स्टार्ट अपने सेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं करेक्ट तो मैं सबसे पहले आपकी जो क्वेश्चंस रहेंगे मुझे बताते रहेंगे बिकॉज जितने क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे उसको देख देख कर यू you नो know, ताकि मैं सबके रिप्लाई करता रहूंगा है ना दिस इज समथिंग जो मैं यहाँ पर ट्राई करता रहूंगा ताकि आपको सब जो समझ आता रहे ठीक है चलो लेट मी सी दार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले Sir, इस बार कितना हो जाएगा ओके okay. सर मैं आज प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ तो वन ईयर में आई मास्टर्स कर सकता हूँ क्या बिल्कुल कर सकते हो राइट right? मतलब आई में एडमिशन आप ले सकते हो ठीक है नेक्स्ट एग्जाम जो होगा नेक्स्ट ईयर पे होगा तो इसकी जो प्रिपरेशन करने में आपको एक साल लग जाता है और आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सकती है 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 ना चलो क्लियर है? तो मैं स्टार्ट करूं आगे कुछ है तो मुझे पूछ लीजिए अदरवाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूं सेशन को अगर कुछ क्वेश्चंस हैं अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी से मुझे बताओ ताकि मैं उसको रिप्लाई करूं और उसके बाद मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूं ठीक है चलो लेट एस स्टार्ट ठीक है स्टार्ट करते हैं ठीक है ठीक है ओके तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नो थ्री टू फोर टाइप ऑफ पीएसयूज यहां पर आते हैं है ना मेजरली तो थ्री ही है राइट बट इसको फोर्थ इसलिए बोलते हैं कि फोर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मिनी कैटेगरी है उसकी दो कैटेगरी बन जाती है यहां पर राइट right. तो इसलिए हम मेजरली बोलते तीन ही है है ना तो हियर यू कैन सी कि हमारे पास जनरली थ्री टाइप ऑफ पी आते हैं पहला आता है महारत्ना पीएसूज सेकेंड होता है नवरत्ना और थर्ड होता है आपकी मिनी रत्ना पी एस राइट और मिनी कैटेगरी जो है मिनी रत्ना पीएसयूज हैं वो दो तरह कैटेगरीज होती है पहले कैटेगरी वन और कैटेगरी टू ओके okay? और इनके बेसिस पर कुछ हमारे पास आप देख सकते हो कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है किसके बेसिस पर आप बोल सकते हो कि ये जो है वो एक महारत्ना पी एस सीज है ठीक तो है तो उसके कुछ ऑप्शन है राइट पहला ने बोला है कि थ्री प्रॉफिट यानी कि वहां पर जो उनका जो उनका प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड करोड़ से अगर ज्यादा हो या फिर या फिर उनका जो एवरेज एनुअल ने टेन थाउजेंड करोड़ से ज्यादा हो फॉर थ्री ईयर्स मिनिमम थ्री ईयर्स तक ठीक है या फिर और देखो यहाँ पर जो वर्ड किया है यहाँ पर और ठीक है या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है 20000 करोड़ से ज्यादा हो तब हम बोल सकते हैं कि जो पीएससीयूज है वो आपके पास ना, महारतना है ना महारत्न पीएससीयूज है ठीक है कितने हैं हमारे पास यू नो महारत्न पीएससीयूज और इस समय पर कितने महारत्न पीएससीयूज हैं आपके पास टोटल 10 पहले कम थे जैसे 2011 12 के आसपास छह थे छे के बाद फिर आठ हुए और आठ के बाद इस समय पर ऑलमोस्ट टेन पी हैं जो यहाँ पर महारत्ना पीएस बन चुका है यानी कि इंडिया बढ़ रहा है है ना फिर उसके बाद आपके पास सेकेंड आता है यहाँ पर नवरत्ना पी उनके लिए आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और फिर आता है यहाँ पर मिनी पी नो, मिनी रत्ना पी है ना तो जनरली जो छोटे पी हैं उनको मिनी रत्ना पी को हम लोग बोलते हैं ठीक है बिकॉज उनका जो वी कैन सी ऑफ़ थर्टी करोड़ तब उसको बोलते हैं इट इज मेरी रत्ना पी एस ठीक है करेक्ट अब इसके केसेस पर है ना अब बहुत सारे लिस्ट है जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप ठीक है आपके आंसर में पूछता रहूंगा ओके मेहंती सिंह सर आई गॉट फोर्टी एट मार्क्स इन गेट व्हाट रैंक कैन आई एक्सपेक्ट 48 के आसपास 27 के आसपास कुछ होंगे मैं फिक्स नहीं बोल सकता हूँ प्लस माइनस होता रहता है बट 27 के आसपास आपके हो सकते हैं ओके okay? चलो इन विच ईयर वी शुड स्टार्ट प्रिपेरिंग फॉर गेट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो सबसे अच्छा तरीका है आप अपने सेकेंड ईयर से तैयारी करो सेकेंड ईयर से ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो बीटेक की जो परसेंटेज है वो आपकी बहुत अच्छी होगी क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है और उसके साथ साथ आप जब आप फाइनल ईयर पे जाएंगे तो गेट को बहुत अच्छे रैंक पे आप क्लियर करेंगे ओके सो आई आई गॉट मार्क्स इन गेट शुड एक्सपेक्ट आपको बता दिया है ठीक है चलो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो महारत्न पी एस सी उसे बहुत सारे हैं कितने हैं दस है आप नाम यहाँ पर देख सकते हो सो दिस इज नंबर वन विच इज बी एच ई एल नंबर टू बी सी पी एल नंबर थ्री विच इज़ सी आई एल नंबर फोर गेल नंबर फाइव विच इज़ एच पी सी एल नंबर सिक्स विच इज़ आई ओ सी एल नंबर सेवन विच इज़ एन टी पी सी नंबर एट विच इज़ यू नो ओ एन जी सी नंबर नाइन विच इज़ पी जी सी आई एल नंबर टेन विच इज़ सेल एंड आई थिंक इलेवंथ भी हो चुका है जो मैंने चेक नहीं किया था विच इज़ यू नो पी एफ यू नो PFCL, right? ऑलमोस्ट तो इस समय पर 10 से ज्यादा हमारे पास पीएसयूज हो चुके हैं कितने हो चुके हैं पास, है, पास हो चुके हैं राइट right? अब इस तरीके से जब महारत्ना भी चेक करूंगा तो उनकी लिस्ट भी काफी ज्यादा है जैसे आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन तो थर्टीन तो, तो मुझे बताया कि थर्टीन जो है वो नवरत्न पी एस क्योंकि पहले जो जो नवरत्ना थी अब वो बन चुके हैं महारत ना ठीक है अब इसके केस में कुछ जो है जो बहुत मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने सुना है जैसे आपके पास आईओसीएल या फिर गेल या फिर राइट क्योंकि हम लाइफ में हम जब भी आप जाओगे ना रोड पर जाओगे तो ये नाम आपको सुनने मिलेंगे आपको जैसे अगर आप दिल्ली में हो मुंबई में हो या फिर नो अलग अलग नो स्टेट्स पे हो स्टेट्स पे जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पर आपको सी, सी, सी जो है वो आपको मिल जाती है है ना या फिर दिल्ली में हो स्पेशली दिल्ली के अंदर हो तो दिल्ली के अंदर आप पेट्रोल तो आप यूज करते ही हो है ना जब आप कहीं पर भी गाड़ी में जाओगे चाहे वो बाइक पर जाओ चाहे आप कार पर जाओ राइट या फिर अगर आप एयरप्लेन पर जाओ उन सभी के अंदर ऑयल तो आप यूज करोगे है ना तो दोनों चीजें आ जाती है तो उस केस में देखो बी और एज वेल एज आईओ है ना ये नाम तो सभी को पता ही है और ये इतना का इतना बड़ा है सो so बिग इसके अलावा आपने, आपने सुना होगा है ना तो बहुत सारे ऐसे पी एस यू है अपनी लाइफ में जब आप यूज करते हो एवरी डे कुछ ऐसे नाम ऐसे हो सकते हैं जो आपको शायद ना पता हो लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डेली आप देखते हो जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ओ एन जी सी आई सी एल गेल बीपीसीएल क्योंकि हम हर दिन अपने घरों के अंदर भी गैस होती है या फिर अगर आप बाहर जाओगे कार में बस पे कहीं पर भी जाओगे हर जगह में पेट्रोल या फिर डीजल उसकी तो जरूरत होती है उसके बिना तो आप लाइफ चलेगा ही नहीं लाइफ चलेगी नहीं इंडिया में है ना तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर है है ना लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ठीक है जैसे आपने बोलो बोला यहाँ पर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपके पास है या फिर ये देखो दिस इज You know, MTNL, है ना तो दो थे आपके पास, और दूसरा आपके पास एम टी एन एल जो महाराष्ट्र में है जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हुआ बॉम्बे हुआ है ना या फिर अलग अलग जो सबसे बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पर आपके पास एम टी एन एल है आपके पास है ना तो इन नाम तो आपने सुना ही होगा ठीक है इनमें से कितने कितने नाम है सभी नाम आपने पता होगा ठीक है अ पार्ट ऑफ दिस ऐसे छोटे छोटे नाम भी हैं जो आपने यहाँ पर सुने थे जिसके बाद शायद आपने इस नोटिस नहीं किया होगा जैसे ए आई इसका एग्जाम होता है देखो तो नाम मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ उन सभी का मैंने एग्जाम क्यों किया है क्योंकि इनका जो प्रिपरेशन होती है वो गेट के बेसिस पर ही होती है बच्चों जैसे मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया ए है ना विच इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब जब आप यू you नो know, गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हो तो गेट कंप्यूटर साइंस से आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सेम सिलेबस को ही पढ़ रहे हो फिर से बोलता हूं आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनके बेसिस पर आप वहां प्रिपरेशन you know, आप कर रहे हो ठीक है अगर मैं सिर्फ गेट कर रहा हूं गेट के अंदर आपने गेट सिलेक्शन नहीं हुआ प्रॉब्लम क्योंकि उस, हो, उस एग्जाम हो तो होगा।, बी, होगा और उसके आप क्लियर कर सकते हो उसके अंदर बहुत सारे हैं जैसे हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट इसका नाम तो सुना ही होगा आपने है ना इवन आपके पास ये देखो आई है ना आई आर सी टी सी बच्चों अगर आप कहीं पर जाना भी है ट्रेन पर आप जाओगे ट्रेन पर ट्रेन पर राइट तो उसका नाम तो सुना होगा आई आर सी टी सी बट अगेन इसके लिए भी अग होना है, तो उसका जो प्रिपरेशन है वो सेम सिलेबस पे ही होता है लेकिन उसका बस थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं जैसे एप्टीट्यूड जो है जिसपे आप वर्कआउट करते हो है ना बस थोड़ा सा चेंजेस होते हैं बट टेक्निकल तो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पर उसके अलावा इतने सारे नाम है Even rights जो है, ONGC है, इतने सारे नाम है जो आपने यहाँ से सुने होंगे ये सभी जो है मिनी रत्ना पी एस यूज है, है ना? अब इसके अलावा भी आपने देखे होंगे राइट जैसे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग है ना यहाँ पर है या फिर एच ये तो बहुत ज्यादा सबने सुना ही होगा ऑलमोस्ट ठीक है उसके अलावा आप इतने सारे नाम हैं जो आपने देखे होंगे इवन डिफेंस के अंदर भी बहुत सारे हैं और यहाँ पर भी अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो गेट के सिलेबस पे ही करते हो यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन भी वहीं से करते हो मेरे प्यारे बच्चों है ना ओके तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो नॉलेज पार्क सर कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी वही डिस्कस करने वाला हूं है ना तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो डोंट वरी स्टेप बाय स्टेप करेंगे ओके चलो आगे बढ़ते हैं <coughs> Fine. अब मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास लिस्ट ऑफ सेंट्रल पीएस जो आपके पास है जितने ज्यादा आपके बैंक्स वगैरह है ठीक है वो सब पी में ही है जैसे आपने देखा होगा एस राइट एस जो है गवर्नमेंट का जो यू you नो know, लिखा होगा शेयर होल्डिंग जो है इंडिया की वो फिफ्टी सिक्स परसेंट जो है स्टेट बैंक की एस का नाम इवन अगर आप बैंक ऑफ बड़ोडा राइट right? इवन अगर आप यहाँ पर पी अगर आपने सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक राइट या फिर इतने सारे बैंक है जो सभी है आपको पता होगा ठीक है ठीक है तो ये सभी का नाम आपने यहाँ पर सुना होगा ठीक है अब इन सभी के अंदर ये जो सभी आपने नाम यहाँ पर देखे हैं ना बच्चों जितने भी

उसकी प्रिपरेशन करते हैं जो कि सिर्फ एप्टीट्यूड के बेसिस पर होता है राइट बैंक के अंदर होता है जिसको बोलते हैं है दो तरह के एग्जाम होते हैं यहाँ पर भी राइट एक होता है आपके पास पीओ ठीक है और एक एग्जाम होता है यहाँ पर विच इज एसओ कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीओ एंड एसओ ये दोनों कहां पर होता है ये दोनों बैंक में होते हैं ठीक है दोनों बैंक में मिलेंगे

जो बहुत ही कम है जो गेट से आते हैं ऑलमोस्ट लाइक थ्री फोर ऑप्शन आपको मिलेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए लेकिन बाकी सभी है उनको सेपरेटली आपको वहां से अप्लाई करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा सभी के अंदर ओके okay? तो जस्ट टेल मी फुल फॉर्म ऑफ पीओ एंड एसओ आपने नाम सुना होगा एस एस सी में देखा होगा ना वैसे एस एस सी में भी आप तैयारी करें होंगे एस एस सी के अंदर भी होगा एक पीओ होता है आपके पास बैंक पी ओ और दूसरा होता है आपके पास एसओ दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है जल्दी से मुझे बताओ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई दिस सभी को आंसर बताना है मुझे पीओ की फुल फॉर्म क्या है और एसओ की फुल फॉर्म क्या है बैंक में यस एब्सोल्यूट राइट एब्सोल्यूटली राइट राइट बिल्कुल सही बोला है हेमंत आपका आंसर बिल्कुल सही है ओके राइट स्पेशलिस्ट ऑफिसर ठीक है जिसको हम बोलते हैं आईटी ऑफिसर भी बोलते हैं राइट एसओ और आईटी ऑफिसर भी इसको बोलते हैं और दूसरा आपके पास पीओ होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर एब्सोल्युटली राइट राइट दोनों सही है ठीक है अब जनरली आप ये जो सभी इतने सारे जो आपके पास नो तो पीएसयूज हैं सबके लिए आपको नाम भी नहीं पता था आपको तो सिर्फ सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ बोलते हैं सिर्फ गेट ही गेट है सर गेट गेट के अलावा कुछ और नहीं है बच्चा जब आप की तैयारी करोगे तो आप ये सभी को भी तो आपके साथ ही आएंगे। तो ही आएंगे सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बस थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है है ना तो अगर पूछते हो कि सर पी में तो जॉब ही नहीं मिलती तो बोलता हूँ पीएसयू से इतनी ज्यादा जॉब है कि आप कहीं और इतनी ज्यादा जॉब नहीं मिलेगी है ना बहुत सारी जॉब है वहां पर है ना बट अगेन वो डिपेंड होता है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो इट्स अप टू यू आप बहुत सारे एग्जाम देख सकते बट मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें हैं जिनकी तैयारियां वो करनी ही करनी है जैसे एप्टीट्यूड तो करना ही करता है स्टार्टिंग से एंड तक वो सबसे इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड उसके साथ साथ गेट की तैयारी करना ही करना है तभी आप यहाँ पर जॉब मिल सकती है राइट right? तो ये जो है ये भी एक पी है राइट right? उसके अलावा देखो बहुत सारे छोटे छोटे बैंक भी हैं आपके पास बैंक वगैरह है है ना बैंक रूरल बैंक हैं बहुत सारे जिसके नाम शायद आपने यहाँ पर यू नो सुने भी नहीं होंगे है ना बहुत सारी हैं इन सब की जॉब होती है सबकी जॉब यहाँ पर आती है इवन कुछ और नाम आपने सुना होगा जो बच्चा दिल्ली में है तो दिल्ली मेट्रो तो सुना होगा ना आपने है ना अब तो दिल्ली में मेट्रो है यू नो महाराष्ट्र में भी यू नो वहां पर भी मेट्रो है है ना कोलकाता में है वहां पर भी है है ना अब इन सभी के लिए जिसको दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन राइट जिसको बोलते हैं दिल्ली मेट्रो तो इनका जो सिलेक्शन होता है राइट वो भी उसी उसी सिलेबस पे ही होता है है ना इवन कुछ एग्जाम बोलते हैं बीबीए यू नो बीबीएनएल राइट भारत ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड नेटवर्क इतने सारे नाम हैं इतने सारे मैं तो सिर्फ ऐसे नाम बता रहा हूँ जो आप लाइफ में यूज करते हो वरना इन सभी के सभी के के अंदर अंदर भी जॉब जॉब आती आती है 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 जिनके लिए आपको रिप्लाई उनको करना पड़ता है। इवन अगर आप नोएडा में हैं तो नोएडा में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यहाँ पर भी आपके पास है है ना इंद्रप्रस्था गैस अगर दिल्ली में है तो इंद्रप्रस्था गैस आपने सुना होगा यहाँ पर है ना यूटीआई है ना टेक्नोलॉजी आपने बहुत सारे नाम जो है यहाँ पर सुने होंगे यहाँ पर ओके तो यानी कि देखा जाए तो इतने सारे पीएसयू हैं जिनका आपको नाम भी नहीं पता इवन आप यहाँ पर भी चेक सकते हो कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज्ड है है ना जैसे इंडियन एयर इंडिया तो एयर इंडिया जो है पहले एयर इंडिया जो है वो एक पीएसयू था है ना लेकिन अब जो है वो बाय कर लिया है है ना उसी तरीके से आपके पास बीएसएनएल भी है मुंबई एयरपोर्ट भी है आपके पास हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है सी ना सी है जिसको हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोलते हैं टी सी एस राइट दो हजार एक में इसको बाय किया था दिल्ली एयरपोर्ट है तो आप देखोगे तो आपके पास इतने सारे पी एस यूज है ठीक है तो इन यहाँ पर जो अगर टी मतलब टीसीएस टी में अगर आप रहते हैं उनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी है राइट तो इस तरीके से अगर मैं देखा जाए कि कितने पी एस यू है पी एस यू बहुत सारे हैं इवन एल आई सी आप सुनोगे एल आई सी इज ऑल्सो पी एस यू राइट इनका भी एग्जाम होता है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मार्केट चेंज एक्सचेंज एक्सचेंज में भी यहां पर होता है राइट right? इतने सारे आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं पीएस के अंदर जितनी प्रिपरेशन तो यू नो जितने पीएस होंगे ना ऑलमोस्ट काफी जगह पर जॉब की जरूरत होती है वहां पर भी है ना तो आप जब गेट की तैयारी करते हो लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि सिर्फ डायरेक्टली गेट से नहीं होगा उसको इनडायरेक्टली आपको जॉब मिल सकती है ओके okay, ये यह आपको यहाँ पर पता होगा अब मैंने कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं दिस बताएस एग्जाम्पल ऑफ पी एस यू जो आप यहाँ पर मिल सकते हैं जैसे गेल है आपके पास एच पी सी एल है एच ए एल है NHAI, NLC, right? अब से कुछ मैं आपको देता हूं जैसे दिस इज फॉर यू नो अब IOCL की जो सैलरी है दैट इज वेरी वेरी गुड ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग सैलरी है वो अराउंड फोर्टीन टू सिक्स लाख के आसपास रहती है 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 ना टू ठीक इन तो पहली है अब ये जो है इंडियन ऑयल अगर मैं स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ बिकॉज हमारा जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे कंप्यूटर साइंस के बारे में है ना यहाँ पर ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के बारे में तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं आपको एटलीस्ट सिक्सटी मार्क्स आपको करने होंगे स्कोर करना होगा दिस इज मार्क्स ने बताया है मैंने राइट इन द सेम वे ओबीसी की बात करूंगा तो सिक्सटी मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे मार्क्स अगर आप यहाँ पर एस से हैं तो यहाँ से फोर्टी मार्क्स इवन अगर आपने एस से तो आपके फोर्टी मार्क्स है ना इतने मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे सो सो दिस इज फॉर इंडियन ऑयल करेक्ट इन द सेम वे ये आप यहां से पूरा चेक कर सकते हो इसके अंदर भी अब ये जो था दिस वाज इन 2017 थाउजेंड वन सेवन और ये जो है 2016 तो यानी कि डिफरेंस क्या है ठीक है है तो 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 आप देख सकते हो में में you know, तो में क्या था अगर की बात आपको 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 करने हैं केस करना उसी तरीके से जब मैं एस से बात करूंगा तो फोर्टी फाइव मार्क्स आपको स्कोर करने हैं है। है। जब, है। जब आप यहाँ पर एस में है तो यहाँ पर थर्टी मार्क्स है तो यानी कि आप चेक कर सकते हो इवन ना पीएच में आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी ये चीजें बहुत मैटर है कि आपको पता होना चाहिए कट ऑफ कितनी है है ना इतना क्लियर होगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इतना आपको समझ में आया होगा ठीक है सर आई हैव डन एमसीए कैन आई टेक एडमिशन इन पीएचडी इन आईआईटी थ्रू गेट एग्जाम नो डियर मैं आपको बताता हूँ अगर आपने एमसीए की है तो दो तरीके हैं पहला तरीका है अगर आपने एमसीए किया है तो या तो एन टी ए यू जी सी नेट की तैयारी करो एन टी ए यूजीसी नेट और वहाँ से आप आई आई टी में एडमिशन ले सकते हो या फिर अगर आप गेट से जाना चाहते हो तो उसके लिए स्टेप ये है कि पहले आप यू नो एम टेक करो थ्रू गेट और फिर वहाँ से गेट के बेसिस पे आप वहाँ से यू नो पी एच डी करो तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा उससे बेटर है आप एन टी ए यू जी सी नेट की तैयारी करो क्योंकि आपने एम सी ए किया है तो उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको ओके चलो अब चलो सो नेक्स्ट मैंने आपको बताया है यहाँ पर अब right? sure, इतना ज़्यादा क्लियर है कि नहीं है बल जो मैं मैं पर स्कोर की यहाँ पर की बता रहा के के बारे में, ठीक है? तो अगर अगर आप करोगे ना तो बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट थे और जिसमें से एक था हमारे पास प्रोग्रामिंग ऑफिसर कौन सा प्रोग्रामिंग ऑफिसर ठीक है तो प्रोग्रामिंग ऑफिसर के केस में आपके 2018 में आपको जो स्कोर चाहिए था वो 797, तो ये आपकी कट ऑफ थी ठीक है अगर आप नहीं देखा होगा तो क्लियरली आप उसको देख सकते हो तो वो आपके पास बहुत सारी ब्रांच से है चाहे वो आप सिविल से हो चाहे आप मैकेनिकल से हो चाहे पेट्रोलियम से हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे इंस्ट्रोमेंटल हो चाहे मैकेनिकल हो तो हर एक ब्रांच से इन्होंने यू नो इन्हों सिलेक्शन हुआ था ठीक है और जिसमें से हमारे जो हमारे लिए आया था वो प्रोग्रामिंग ऑफिसर जो आया था 2018 में उसे केस में आपका जो स्कोर था वो 797 था ओके तो ये भी आप इसको चेक कर सकते हो सिर्फ नेक्स्ट आपके पास पावर ग्रिड तो पावर ग्रिड जो है ये बहुत अमेजिंग है ये वहां पर भी ठीक है तो यहां पर आप कंप्यूटर साइंस से हो या फिर आप आईटी से हो दोनों के लिए अलग अलग मैं बट यहाँ पर चेक करोगे इनके केस में नहीं है ना पावर ग्रिड में इतनी ज्यादा यहाँ पर थ्रू you गेट know, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होते हैं ज्यादा ना? अब उसी केस में अब ये जो डेटा दिखा रहा हूं ये 2017 का है क्योंकि ये जो मैंने बताया था 2018 का बताया 2018 लेकिन अब वही डेटा अगर की बात करूंगा 2017 ठीक है 2017, तो यहां पर अगर आप कंप्यूटर साइंस थे तो वहां से अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 68 मार्क्स स्कोर करना है उसी तरीके से ओबीसी में सिक्सटी मार्क्स स्कोर करना था उसी तरीके से जब मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा

लेकिन 2018 में नहीं आए थे तो डिपेंड करता है ईयर टू ईयर में भी ये चीजें होती रहती है okay? okay, uh, अनुराधा कुछ है बट ज्यादातर वो जो है वो एज के बेसिस पर है राइट right? क्योंकि जब टीचिंग में है क्योंकि टीचिंग में क्या होता है कि वहां पर जितना ज्यादा रहेंगे उतना एक्सपीरियंस जो है वो यूजफुल रहता है उसके अंदर तो इतना उसमें काफ़ी ज्यादा तो प्रॉब्लम होती नहीं है है ना तो उसकी तैयारी आप कर सकते हो टीचिंग में ठीक है जैसे आपके पास के का एग्जाम होता है एनवास एन बी का होता है या फिर आपके पास अच्छा, डी टब्ल एस बी का होता है ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा एज जो है बहुत स्ट्रिक्ट मतलब आप उसको शायद आप चेक कर सकते हो नॉट श्योर व्हाट इज़ योर एज बट उसके बेसिस पर आप वहाँ पर टीचिंग में ज़्यादा आप चेक करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए ओके I'm not sure what is your age, so मैं नहीं बता सकता तब तक सो आफ्टर दैट वी नीड टू क्लियर काफी में पूछते हैं और कईयों में नहीं भी पूछते हैं, है ना कईयों डायरेक्टली होता है कहीं पर नहीं भी होता है ऐसा उसको अकॉर्डिंगली आपको चेक करना होता है अब नेक्स्ट जो है वो है ना एन एल सी राइट इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ठीक है इंडिया लिमिटेड ठीक है तो यहां पर अगर मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा 2016 का डेटा है राइट तो वहां पर आपको 68 मार्क्स स्कोर करने थे 2017 में अगर आप चेक करना है 2017 तो यहां पर 78.67 मार्क्स आपको स्कोर करने थे और यही अगर मैं 2016 की बात करता हूं इन कैटेगरी तो वहां पर यू नो कंप्यूटर साइंस में 68 मार्क्स आपको स्कोर करने थे तो अगर आप दो की बात करते हो तो सिक्सटी मार्क्स आपको यहाँ पर स्कोर करने थे है ना तो ये भी आप इसको चेक कर सकते हो ठीक है अगेन सेम डेटा बट इन टू थाउजेंड यू नो टू जीरो थ्रू डायरेक्टली गेट से मैं बता रहा हूं डायरेक्टली थ्रू गेट ठीक है तो यहां से कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं 2017 में 2017 में आपके पास यहां पर सिक्सटी थ्री मार्क्स में यहां पर था 63 मार्क्स आपको चाहिए था और यहां पर भी सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दो हज़ार सत्रह में मैंने आपको दिखा ही दिया है ऑलरेडी ठीक है दिस इज ऑलरेडी समथिंग मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ इवन आपके पास अगर आप यहाँ चेक करोगे ना डी आर डी ओ तो डीआरडीओ के लिए भी आप चेक कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो आपके पास डीआरडीओ भी है राइट थ्रू गेट अगर आपके पास बार्क है राइट या फिर आपके पास इसरो है राइट इसके अलावा अगर आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है सिर्फ ये तो ऐसे हैं जिसको सबको लगता है कि सच मेरा सपना है इन यहाँ पर आने का लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम आपने शायद सुना भी नहीं होगा है ना तो ऐसे चीज़ें ऑप्शंस जो है आपको देखने हैं ठीक है ठीके? और शायद आपको प्रिपरेशन जो है उनका जो एग्जाम है ऑलमोस्ट गेट के बेसिस पर रहेगा तो उनके नाम आपको सुने भी नहीं है ये तो मैंने बताया है कि जिसमें आपको सुने होंगे ये सब ने इसके बारे में बताया होगा है ना इसके केस में अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा ठीक है तो कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं राइट वो आप इसको चेक कर सकते हो ठीक है कितना स्कोर करने के बाद आपको डीआरडीओ में आपको जॉब यहां से मिल सकती है थ्रू गेट ये भी आप यहां से चेक कर सकते हो तो इवन इसको भी चेक कर सकते हो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन राइट जिसको बोलते हैं एनटीआरओ ठीक है आर में अगर मैं यहाँ पर बात करता तो मार्क्स है थर्टी right? सेवन तो है, यहां पर 37 है, है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते बहुत सारे पी एस यूज है जिसके नाम आपने शायद सुने भी नहीं होंगे है ना तो सभी लिस्ट को आपको चेक करना पड़ेगा सभी के बेसिस पर ठीक है बट कई सारे हैं डायरेक्टली गेट से आते हैं जैसे ये जो है डायरेक्टली गेट से आया था ये भी है ना तो जब भी अगर होगा है ना तो मैं यहाँ पर मैं पिछले डेटा के बारे में अब पे जो मेरा, नो, मैं यहाँ पर पर डालता रहूंगा, कि किस -किस रहूंगा। ठीक है ओके कुछ क्वेश्चन है तो आप उसे पूछ सकते हो तो आई होप सेशन आपको सही लगा होगा सेशन कैसा रहा समझ आया होगा अब तक तो आई थिंक चलो ठीक है अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं सेशन को यहाँ पर स्टॉप करूंगा अदरवाइज बस एक चीज है जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूं पे दो तरह के सब्सक्रिप्शन पहला है आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन दूसरा है यहां पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन राइट ओके सो हेमंत आपने जो मुझे पूछा कि 48 मार्क्स आपने बोला कि 48 मार्क्स आपने मुझे बोला तो आपका जो क्वेश्चन है ना मैंने इसको तीन बार इसको रिप्लाई किया है दो या तीन बार और आप दोबारा से वही पूछ रहे हो तो शायद आपने सुना नहीं कि मैंने आपको क्या मार्क्स आपको बोला था मैंने कितना आपको रैंक बोला था मैंने आपको क्लियरली बताया था और दो तीन बार बोला है ओके okay? हेमंत आप दोबारा से वही पूछ रहे हैं ओके चलो ठीक है राइट सो अगर दो तरह के सब्सक्रिप्शन है पहला है प्लस दूसरा है आइकॉनिक ठीक है आप कुछ भी ले सकते हैं जस्ट कूपन कोड कौशिक टेप ठीक है और यहाँ पर अन अकेडमी पे बहुत सारे बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं पहला है आपके पास पार्क बैच ठीक है जो टाइमिंग है टेन फिफ्टीन ए एम होती है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की है वो 24 की है नेक्स्ट ये असेंट जो है, 2023 की तैयारी के लिए है और जब इवॉल्व है वो ट्वेंटी थ्री की तैयारी थ्री की है और ये ट्वेंटी फोर की तैयारी है इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि टाइमिंग आप देख सकते हो इट इज सेवन पी एम This is also 7 PM. बहुत सारे बैचेस आ चुके हैं इसको लेने के लिए जस्ट यूजन टू बता देता हूँ क्लासेस है टूमो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है टूमोर थर्टी ए एम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा दैट इज एल गोरिथम्स ठीक है और मेरे जो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म जो प्रोफाइल है प्लीज उसको फॉलो करो ताकि मेरी जो भी क्लासेस हो जाएगी आपको आप देख सकते हो राइट right? क्योंकि स्पेशल क्लासेस भी होती है इज़ फ्री ऑफ़ ऑफ़ कॉस्ट फॉर ऑल यू राइट तो मैं उसको ये मेरा प्रोफाइल है ठीक है जस्ट यूज माई प्रोफाइल ठीक है दिस इज माई प्रोफाइल तो जब भी मेरी बहुत सारी फ्री ऑफ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी लेता हूँ तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी मैं लेता हूँ वहां पर और उसके अलावा मैं वहाँ पर प्लस पे भी पढ़ाता हूँ तो कल जो बैच स्टार्ट कर रहा हूं, विच इज अबाउट विच इज अबाउट विच इज अबाउट प्लस कोर्स तो कल मेरी प्लस कोर्स है उसके बाद कल एक स्पेशल क्लास भी मैं कल स्टार्ट करूंगा कल एक प्लस प्लस क्लास भी लूंगा ऑनलाइन आऊँगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो राइट तो मेरा जो प्रोफाइल है ऑन अनएकेडमी जस्ट यूजर्स लिंक इस लिंक को लिंक को यूज करो और प्लीज फॉलो करो और मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आए ताकि जब भी मेरी क्लासेस होंगी तो आपकी एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी वहाँ से ओके आई होप लाइक द सेशन सेशन आपको अच्छी लगी होगी एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू एंड मे बी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू